यूपी के हरदोई में बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर पलटा, 4 बच्चों समेत 8 की मौत। हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सड़क किनारे झोपड़ी में रह रहे एक परिवार पर बालू लदा ट्रक पलट गया, जिससे पूरा परिवार ट्रक के नीचे दब गया। जब तक बालू और ट्रक हटाकर नीचे दबे लोगों को निकाला जाता, तब तक 4 बच्चों समेत कुल 8 की मौत हो गई। ये घटना करीबन 1 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक के नीचे लोग दबे, वो ट्रक गंगा किनारे से बालू लेकर हरदोई जा रहा था। इसी दौरान ट्रक किसी तरह अनियंत्रित होकर मोड़ पर पलट गया, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सोते हुए लोगों पर पलटा बालू से लदा ट्रक। इस घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को किसी तरह निकलवाया, लेकिन एक बालिका को छोड़कर सभी की मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना मल्लावा कस्बे में चुंगी संख्या 2 की है। दरअसल यहाँ पर बल्ला अपने परिवार के साथ झोपड़ी डालकर रहता था। मंगलवार की रात रोजाना की तरह परिवार सड़क के किनारे सो रहा था। बुधवार को तड़के में हदीघाट कन्नौज की तरफ से हरदोई जा रहा बालू लदा ट्रक झोपड़ी के ऊपर पलट गया। घटना के समय सभी सो रहे थे और बालू के नीचे ही दब गए डॉट ट्रक के नीचे लोगों के दबे होने का पता देर से चला। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला कि ट्रक के नीचे लोग दबे हैं, लेकिन फिर पता चला कि यहाँ पर बल्ला का परिवार रहता था, तो तुरंत ही पुलिस को सूचना देकर बालू हटाने का काम शुरू किया गया। जेसीबी से ट्रक उठाकर बालू उठाई गई तो उसके नीचे बल्ला का परिवार दबा था। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे डीएमएसपी ने मौके का जायजा लिया और आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गए हैं। तरह की हादसा हुआ है, किस चीज पर ये ट्रक वगैरह पलटा है और क्या वजह हादसे की और क्या कार्रवाई की जा रही है? रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से बालू लाद कर जो जा रहा था, कानपुर की रात में करीब 1 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटे से बच्चे घायल हुए हैं। अभी हम लोग घटनास्थल पर देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि घटना कैसे हुई है।